क्या पामेश्री में हाथ पर नशा दिखता है, एक व्यक्ति का कमेंट आया था। तो चलिए आज इसी सब्जेक्ट पर हम वीडियो बनाते हैं। और आज ये वीडियो में केवल दारू, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, यही नशे के बारे में बात करेंगे। अभी जो आपको फोटोग्राफ दिख रहा होगा, ये हथेली का, ये कंप्लीट रेड कलर का जब हो जाता है किसी भी व्यक्ति के हाथ में, चाहे मेल हो या फीमेल हो, मैंने शब्द यूज किया मेल हो या फीमेल हो, ये जो फोटोग्राफ है ये फीमेल के हाथ का ही है। तो जब इस तरह की कंडीशन, रेडिश कलर का हाथ हो जाता है, रेड कंप्लीट, तो ये लोग सुबह से लेकर रात तक ये लोग दारू पीते हैं। और आपको स्वीकार भी नहीं करेंगे, इनको बोल दिया आपने कि आप दारू पी रहे हो, तो वो बोलेंगे नहीं मैं तो जूस पी रहा हूं, ये कोई दारू नहीं है। और बहुत ज्यादा पीछे पड़ गए, ज्ञान देने लग गए इनको, तो आपसे झगड़ा भी करेंगे। ये इस तरह का रेड कलर वाला व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक नशे में रहता है, पता ही नहीं चलता कि वो क्या अपने जीवन में गलती कर रहा है। और ये लोग बीमार पड़ते हैं, लास्ट वार्निंग मिलती है कि आप अगर इससे ज्यादा दारू पियोगे तो लीवर खराब हो जाएगा, तो इनको छोड़ना भी पड़ता है। बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद ये छोड़ते हैं, तो कलर भी चेंज हो जाता हाथ का। और कंप्लीट दारू छोड़े हुए लोग भी मैंने देखे हुए, इस तरह के हाथ वाले लोगों को, क्योंकि ये लोग इतना अति दारू पी चुके होते कि इनका लीवर जवाब देना चालू कर देता है थोड़े समय में, यानी ज्यादा साल भी नहीं जाते। तो ये कंडीशन होती है। और ये जो फोटोग्राफ दिखाया, ये एक फीमेल का ही फोटोग्राफ है। जब ये फोटोग्राफ आया मेरे पास, तो मैंने लेडी से पूछा कि आपके आसपास में कोई है, तो उन्होंने कहा नहीं है। तो सीधा सवाल दागा, क्या आप दारू पीते हो, यस कहा उन्होंने। बोला क्या सुबह से चालू हो जाते हो, तो कहा यस सुबह से चालू हो जाती है। तो ये कंडीशन होती है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, रेड कलर आएगा तो अति दारू पीता, अति दारू व्यक्ति। और छोड़ने के बाद हाथ के कलर चेंज हुए, हाथ भी मैंने देखे, नॉर्मल हाथ का कलर हो जाता है। अब ऐसा कौन सा ग्रह होता है जो हमें पामिस्ट्री में नशे की तरफ इंडिकेट देता है? अभी ये जो बात कर रहा हूँ, ये जो हथेली है उसके बीच वाला जो पार्ट होता है, पुराने जमाने के लोग बोलते थे कि यहाँ पर अगर कटोरी बने, यानी खड्डा हो, तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। पर भाग्यशाली नहीं होता, ये नशे की तरफ लेकर जाता है। आप देखिए फोटोग्राफ के अंदर कंप्लीट हथेली में खड्डा दिखेगा। अब कई लोग ये खड्डा देखने में गलती करते हैं, कई लोगों का अंगूठे पूरे ओपन नहीं होते, ऐसे रहते, तो उनको जबरदस्ती भी खड्डा दिखता है। पर किसकी उंगलियां सीधी और अंगूठा ओपन रखकर आप फोटो लो, आपको बीच में अगर आपको कटोरी दिखे, जैसे अगर तेल भी डाल दिया तो रह जाएगा, इस तरह की कंडीशन दिखे, तो ये राहु दबा हुआ क्षेत्र बोला जाता है। राहु क्षेत्र दबा हो तो आपको कोई ना कोई नशे की आदत जरूर होगी, चाहे आप सिगरेट पीते होंगे, चाहे आप तंबाकू खाते होंगे, चाहे आप ओकेजनली 8 दिन में 2-3 दिन दारू पीते होंगे। कई लोगों को मैंने 3-3, 4-4 बार भी वीक में दारू पीते देखा है। और या फिर आप कंटिन्यू गुटखा खाने वाले व्यक्ति होते हो, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है नशे की तरफ। एक डॉक्टर आया मेरे पास, उनके हाथ में भी इसी तरह दबा हुआ था, और मेरे से बात करते करते उनके मुंह में गुटखा चल रहा था। और मैं यहाँ तक भी पूछ लिया कि आप दारू पीते हो, कहा यस मैं दारू पीता हूँ। तो ये कंडीशन होती है जब राहु दबा होता है। तो राहु आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा जीवन में कुछ कमी रह गई है, उसको कमी को पूरा करने के लिए व्यक्ति नशा करता है, और इनको मजा भी आता है तंबाकू खा के, सिगरेट पी के। व्यसन अलग अलग हो सकता है, कोई गुटखा खाएगा, कोई सिगरेट पिएगा, तो ये इनको उसमें आनंद भी आता है और ये छोड़ भी नहीं पाते। अगर तंबाकू छोड़ दी तो गुटखा चालू कर देंगे, गुटखा छोड़ा तो तंबाकू चालू कर देंगे, बीड़ी पीते होंगे तो सिगरेट पे आ जाएंगे, या सिगरेट पीते होंगे तो कोई और पर्याय ढूंढ लेंगे। कहीं ना कहीं इनको तंबाकू से रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिए चाहिए और चाहिए। और कई लोगों को मैंने इस तरह से राहु दबा क्षेत्र वालों को मैंने 3-4 बार वीक में इनको दारू पीते भी पाया गया, कोई एक बार पीता, कोई 2 बार पीता, तो ये भी लक्षण इस राहु क्षेत्र दबा होने से मिलते हैं। एक तो अभी मैंने बात की जो राहु क्षेत्र दबाओ, उसके पहले मैं आप फोटोग्राफ दिखा चुका हूँ, और अब जो दिखा रहा हूँ वो शनि पर्वत दबाओ। अब राहु भी दबा है, कटोरी है, और शनि भी पर्वत, यानी ये उंगली के बीच वाला पार्ट अगर दबाओ, तो ऐसे लोगों को अति मात्रा में चीजें चाहिए। जैसे सिगरेट भी पिएंगे तो दिन की 30-30, 25-25, 40-40 सिगरेट पिएंगे, अगर ये दोनों क्षेत्र दबे हैं तो। गुटखा भी खाएंगे तो एक गुटखा थूका नहीं कि दूसरा मुंह पे चला जाएगा। दारू पीने भी बैठेंगे तो इनको एक क्वार्टर से तो इनका दारू चालू होता है, ये कंडीशन होती है। तो ये दोनों अगर योग आ गए, आपका शनि दबाए और साथ में राहु दबाए, तो आप चेन स्मोकर, बहुत ज़्यादा गुटखा खाने वाले हो सकते हो, या बहुत ज़्यादा तंबाकू खाने वाले हो सकते हो,
और दारू की मात्रा भी आपकी अति होगी अगर दारू पीते होंगे तो। तो आज मैंने इस वीडियो में नशे के बारे में पामिशी में कहाँ योग दिखता है उसकी चर्चा की। आपके परिवार में या आपके आसपास में मित्रों में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा, उसको ये वीडियो शेयर कीजिए। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और मैं देख रहा हूँ मेरे वीडियो लोग देखते तो जरूर है पर सब्सक्राइब कम लोग करते हैं। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे हमारा उत्साह बढ़ता है, नए नए सब्जेक्ट आपके सामने लाने का मन करता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।